इस समय हम अयोध्या में। आपने देखा होगा हनुमानगढ़ी के ठीक बगल का ये नज़ारा है और हिंदू सनातन धर्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। 2400 किलो का घंटा आ रहा है, बहुत ये सबरी से इंतजार हो रहा है, बहुत श्रद्धालु लोग देखना चाहते हैं, राम भक्त इंतजार कर रहे हैं और ये जो टीम है लगातार ये लोग लगे रहे, जो श्री राम जय श्री राम के नारे लगाते रहे ये लोग, लेकिन बगल में राम भक्त लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 2400 किलो का घंटा कब आएगा। इस तरह की वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं। बोलिए एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सबसे पहले हम परिचय जानने का पूरा प्रयास करेंगे और घंटा का जो पूरा प्रक्रिया है कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी। जय श्री राम जी। देवराज मित्तल नरवाना। ये घंटा कहाँ से आ रहा है लोग जानना चाहते हैं। ये जो घंटा है जैलसर अपना आगरा के पास से, वहाँ से घंटा निर्मित हुआ है। वहाँ हमारे मित्र हैं विकास मित्तल जी, उन्होंने ये घंटा भगवान श्री प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। 2100 किलो का ये घंटा है जो कि पिछले 6 महीने से लगातार बन रहा था, 400 कारीगरों के द्वारा और लगातार ये घंटा बनाया जा रहा था। 400 कारीगरों की इसमें कड़ी मेहनत रही है, 6 महीने का इसमें समय लगा है। अष्ट धातु से निर्मित ये घंटा 2 दिन से बड़े ही साजो बाजों के साथ वहाँ से चला हुआ है। हर जगह लोग इसके दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, हजारों की भीड़ साथ में है और अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने हैं। हम श्री राम मंदिर के सामने प्रमुख द्वार के आगे खड़े हैं, तो वहीं आएंगे। हम भी सभी आए हैं, हरियाणा से हम आए हैं, पूरा हमारा एक शिष्टमंडल पूरी टीम आई है हरियाणा नरवाना से और हम उसी घंटे की एक जो आज आहुति होएगी इसमें मंदिर में, तो उसमें हम आए हैं सम्मिलित होने, उसका आज स्थापना होनी है। मतलब आज ही होना है जी, आज ही उसकी स्थापना होनी है उस 2400 किलो घंटे की। जैसे मंदिर का जो घंटा है आप लोग बता रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर लगेगा, रामलला के मंदिर में, बड़ी खुशी होगी, बड़ा खुशी और उल्लास होगा। तो ये मंदिर को पहले सूचना किया गया होगा या फिर आप लोग डायरेक्ट लेके आ रहे हैं? इसकी डायरेक्ट पूरे परमिशन ली गई थी, बाकायदा इसका सारा मंदिर की संस्था से परमिशन लेकर उनसे उनकी एग्री हुए उसके बाद ये घंटा निर्मित हुआ है। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा घंटा है जो कि भगवान श्री राम के बिल्कुल जो प्रतिमा है उसके सामने लगेगा और इस घंटे की जो ध्वनि है 1 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई जाएगी। 1 किलोमीटर दूर? सवाल आपसे और होगा जी, इस घंटे को बनाने में किसका श्रेय रहा है? इस घंटे को देखिए प्रभु राम के चरणों में जो विकास मित्तल जी हैं जो और हमारे आगरा से मित्र हैं और उनका बहुत उनके मन में ये भाव आए कि मैं उनकी घंटे निर्मित करते हैं, वो उनकी फैक्ट्री है, तो उनके 400 लोगों ने 6 महीने की लगातार इसकी कड़ी मेहनत से इस घंटे को निर्माण किया। एक बहुत बड़ा सवाल होगा, हिंदू सनातन धर्म से ही आप लोग हैं, एक बहुत बड़ा सवाल होगा, ये झकझोर देने वाला सवाल है। बहुत से सनातनी लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है वो मोदी जी न करते तो बेहतर होगा। आप लोग की क्या राय है इस पर? देखिए इसमें हर व्यक्ति के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन जो नियम है वो नियम है, सभी समिति ने जो फैसला किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, तो मैं मानता हूँ कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसको हमने बिल्कुल इस चीज़ में कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस पर राजनीति हो रही है अंकल जी? आप हेलो, राजनीतिक तो हो रही है जी, लेकिन राजनीतिक टाइप नहीं है ये, तो एक किस्म का राम का जन्म की भूमि को एक हम कहते हैं कि स्थापना दिवस बन रहा है, दिवाली बन रही है। भगवान के नाम पर राजनीति होना सही है या गलत है? जब तक रामलला टेंट में थे तब तक ये रामलला राम भक्तों के और बीजेपी के थे, अब जब इनका भव्य मंदिर बनने लग रहा है तो ये सभी के हो गए हैं, अब सभी को इस पर राजनीति लगने लग रही है। अब ये लोग ये नहीं देखते कि बीजेपी ने 2 सीटों से चल के इसके कितनी कड़ी मेहनत की है, राम भक्तों ने कितने बलिदान दिए हैं, तो उसका उद्घाटन कौन करेगा? तो राम भक्त और बीजेपी वाले ही करेंगे ना। कांग्रेस ने तो 300 वकीलों को इसके खिलाफ खड़ा किया है, जब तक ये रामलीला टेंट में थे तब तक ये सिर्फ बीजेपी के थे, अब ये सभी के हो गए हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, तारीख तो बताई दी है 22 तारीख को। नहीं, नहीं, ये नहीं, पूर्व जो विपक्षी पार्टी थी उनका कहना था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये केस अदालत में था तो जब फैसला होगा जब ही बनेगा ना मंदिर, तारीख कैसे बताएंगे? तो वही बात है जी, फैसला होने से अभी ये मंदिर
इसका 22 तारीख का जनवरी का हो गया, निर्माण हो गया मंदिर का, प्राण प्रतिष्ठा होगा, कैसा लगेगा? अभी रुकना क्या, रुकने का प्लान है या फिर भी खुश हो जाएंगे इसको देख के? ऐसी बात नहीं है। कितने दिनों तक? हम लगातार 3 दिनों से हम इस एक जो आयोजन चला हुआ है, जो महोत्सव चला हुआ है, उसमें हम लगे हुए हैं प्रेरणा प्रतिरूप से। और अभी भी हम ये है कि इसकी स्थापना करके घंटे की, और फिर उसके बाद हम 1-2 दिन यहाँ रहकर फिर जाएंगे। और जैसा कि ऐसा आदेश है कि हमें, कि प्रधानमंत्री जी का भी एक आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ना आए, भीड़ ना करें, व्यवस्था बनाए रखें, हम उसका पूरा पालन करेंगे। बिना निमंत्रण हम यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि व्यवस्था को हमने बनाए रखना है। 22 तारीख की क्या स्थिति रहेगी, आपको रहना है या चले जाना है? नहीं, 22 तारीख तक हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी घंटा जाएगा तो जांच पड़ताल भी होगी। जी पड़ताल चालू है कि नहीं है? प्रशासन जी, प्रशासन साथ में चला हुआ है। जांच पड़ताल क्या लग रहा है आप लोगों को, जांच पड़ताल होगी या नहीं होगी? सहयोग से बनाया, प्रशासन के द्वारा मैप देगा, उसके हिसाब से बनाया, प्रशासन की गाड़ियां साथ में चली हुई है। इसके साथ में एक बयान आया, अभी लालू यादव के लड़के हैं, सुपुत्र है, अब प्यारे लाडले बेटे हैं, उनका बयान आया है कि मंदिर बना देने से लोगों को भोजन नहीं मिल जाएगा, चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? पढ़े लिखे मंदिर बनाने से यहाँ रोजगार कितना बढ़ेगा? आप देखो, इतना पर्यटक आएगा, इतना रोजगार यहाँ बढ़ेगा, भोजन कैसे नहीं मिलेगा? जो जिस आदमी को काम मिलेगा उसको भोजन मिलेगा? बताओ, गलत काम करने से उनको महसूस होगा कि हम कोई गलत काम नहीं करें। क्या बिहार में हॉस्पिटल की कमी नहीं है? बिल्कुल कमी है जी, बताइए। बिल्कुल कमी है, इन चारा घोटाले वालों ने अपने उस पहले इन्होंने कभी, चारा घोटाले के बेटे हैं, सुपुत्र हैं जी, इन्होंने कम से कम 4 घोटाले के 100 रुपये का हॉस्पिटल बना दे तो भी इनको माफ कर देते। इन्होंने तो वो भी घोटाला किया है, और जो हॉस्पिटल बना दे उनका भी घोटाला किया, कभी बनाया नहीं इन्हें। भैया युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, बताइए आपकी क्या राय है, मतलब जो उन्होंने कमेंट किया है शोभनीय क्या शोभनीय है? ये मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, 500 साल का जो एक प्रयास था, जो एक तपस्या थी, तो उस भावना को सभी पार्टियों को अपनी राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर उस बात का सम्मान करना चाहिए। जो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक ये हमारे हक में फैसला दिया है, उसकी हम सभी इज्जत करते हैं, उसका दिल से सम्मान करते हैं। और आज ये हमें अपनी जीवन में ये चीज़ इतना अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा और मिल रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। मैं ये सभी राजनीतिक पार्टियों से यही कहना चाहूँगा कि वो राजनीति छोड़कर आम भावना, जनता की आम भावना को समझते हुए उस चीज़ से जुड़े और उस चीज़ को समझें। एक सवाल आपसे और होगा, आखिर भक्ति में जो लीन व्यक्ति, यानी आस्था के विचारों पे राजनीति कब तक होती रहेगी, यह सोचने का विषय है। आप लोग लगातार उतने दूर से चल के आए हैं, अब क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे या फिर खून खराबा होता रहेगा? यहाँ तो नाम पड़ गया पीली कोठी, लाल कोठी, शहीद कोठी, अब क्या लगता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम मैं समझता हूँ कि ना पहले अलग थे और ना अब अलग हैं, लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे, सिर्फ और सिर्फ ये एक राजनीति ने विषय बनाया हुआ है। और मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ बात, कि इस बात में अगर देश से राजनीति ख़त्म हो जाए, अगर इस तरह की जात पात की राजनीति से सभी उभर जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ भाईचारे का ही भाव रहेगा और वो हमेशा रहना भी चाहिए। अब हम विराम लेना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल, जाते जाते लगातार वहाँ से घंटा आ रहा है, लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि जांच पड़ताल होगी। आप लोग के मन में कैसा चल रहा है, प्रशासन भी साथ में, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जांच पड़ताल होगी, करें, हम कहते हैं करनी चाहिए, जो भी कोई दुश्मन होगा, विरोधी होगा, वो करेगा, हम कहते हैं उस पर करके। अभी इसके पहले केस भी चला है, उस पर बहुत लंबा केस चला, लोगों ने, वकीलों ने भी बहुत कुछ खींचा, क्या निकला तो घंटे में, तो बात ही क्या, हम तो कहते हैं करो, करनी चाहिए, लेकिन घंटे की आवाज़ उनकी भी तो अपनी जिम्मेवारी होती है। योगी जी ने भी आया हुआ था, योगी जी सुबह आए, टाइम हमारा 9:30 बजे का था, आप यात्रा आने में लेट हो गए, वो यहाँ आके भी चले गए, आज उनका भी बारिश आ गई इसलिए लेट हो गए। इसमें किसका ज़्यादा सिरे मानते हैं आप लोग? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि इतना किताबें पलटाना और उल्टाना और तरह तरह के साक्ष्य जुटाना सबके बस की बात नहीं, किसी का वो सहयोग नहीं है। सिर्फ राम भक्त जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति 1998 से लगा हुआ है, हर व्यक्ति का सहयोग है, राम भक्त का पूरा पूरा सहयोग। ये हर राम भक्त का, हर उस नागरिक का जो भगवान राम से जुड़ा है, जिसकी आस्था और भावना जुड़ी है, हर उस देशवासी का इसमें योगदान है, भरपूर योगदान है, और उसी के तहत ये सारा, उनकी भावनाओं के, उससे ही ये सारा कुछ संभव हो पाया है, उसी का श्रेय हम सभी को देते हैं।
और इसी के साथ हम जय श्री राम कहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लेना चाहेंगे विराम, अगर आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से 2400 किलो का घंटा आएगा और बताया जा रहा है कि 400 कारीगरों ने मिलकर उस घंटे को तैयार किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए घंटा आएगा और इसी रास्ते से आएगा। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, थैंक यू।